देखो 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 देखो, अरे देखो देखो, तो मिस कर रही है लेकिन। क्या हो गया, हमेशा के लिए जा रही है ऐसे लग रहा है। और गाइस नीशू को भी आप लास्ट टाइम देख रहे हो, हम लोग जब तक आएंगे तब तक शायद ये चली जाएगी, अभी निकल रहे चलो। गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टू एंड मिस्टी। तो गाइज अभी हम लोग निकलने वाले हैं, मिस्टी से बोला था मैंने व्लॉग कंप्लीट कर लेना एक बस में जाने से पहले, पर अभी तक एक भी व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बैठ के महारानी साहिबा यहाँ पे बाल बनवा रही है अपना। नींद आ रहा है, देखो नींद आ रहा है, बोलो तो नींद आने लगता है भाई। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं तो रेडी हूँ पूरा, मैं काफ़ी देर से रेडी होकर बैठा हुआ हूँ, करीब 11 बजे से मैं रेडी होकर बैठा हूँ नहा के, और अभी 1 बज रहा है, हमें निकलना है 3 बजे के आसपास। टाइम है अभी, बस मैं क्या करूँगी अभी कपड़े पहन लूँगी, ठीक है, थोड़ा रेडी वेडी जाऊँगी, सिंगिंग लगा के, उसके बाद ऐसे जाएगी मुझे, तुम ऐसे जाओगी? हाँ मैं बस टी शर्ट चेंज करूँगा, ये इसका मैचिंग टी शर्ट पहनूंगा अभी पैंट का। अच्छा, और कुछ सामान अगर बाकी होगा वो डाल लूँगी, कुछ सामान बाकी का है सब तो रखे लिए हमने बाकी। अच्छा, मुझे अंकल से सूट लाना है, दूसरे को नाइटी लाना है, तो वो सूट ला के रख देता हूँ फटाफट बैग में, तो भूल जाऊँगा फिर। आप कौन सा सूट ले गया? वही जो आया था फ्रॉक सूट, जो तुम बोले थे अच्छा लग रहा है, कितना वो पहनो तुम गर्मी में पहन लूंगा। हाँ तो फिर अभी कुछ कुछ अभी बाकी रह गया सामान। पता है क्या हुआ था? हाँ। बताओ कल क्या हुआ था? मुझे क्या बताएगा, फोन छूट गया था जब। कल मिस्टी का आईफोन खो जाता गाइस, 12 प्रो मैक्स, 1 लाख से ऊपर का फोन है वो, 1,40,000 का फोन है वो, और ये छोड़ के आ गई टेलर वाले के पास, टेलर वाले के पास छोड़ के आ गई। वो तो अच्छा है, वो भगवान का शुक्र है कि वो बढ़िया आदमी है, उन्होंने कॉल उठा लिया, खुद बोल दिया कि मेरे पास से आ जाओ, नहीं तो कल चूना लगा था हम लोगों को, बहुत तगड़ा वाला चूना लगता था कल। मिस्टी को फ़ोन देने के लायक नहीं है सच्ची में, तो कल ही बोल देते तुम, तुम्हारे लिए एक छोटा कीपैड फ़ोन खरीद देता हूँ, वो लेके जाया करो तुम जहाँ जाना तुम्हें लेकर। और गाइस नीशू को भी आप लास्ट टाइम देख रहे हो, हम लोग जब तक आएंगे तब तक शायद ये चली जाएगी। जिस दिन हम आएंगे उससे एक दिन पहले नीशू चली जाएगी। हाँ, क्योंकि इसका भी टिकट हो चुका है कंफर्म जाने के लिए, तो लास्ट टाइम देख लो बस, बाय बोल दो सभी लोग कमेंट में, ये चली जाएगी, बाबू भी चला जाएगा, फिर हम लोग शायद मिले छठ पूजा में। सच्ची में इतना कमेंट फाइनली जा रही है, कब जाएगी, अब तो बच्चा भी हो गया, अब कब जाएगी देखो। सही है गाइस, अब जाने वाली है बस वो थोड़ी देर में, जब तक हम लोग आएंगे तब तक ये चली जाएगी, बस इतना समझ जाओ अपना। और जिस दिन पहुँचेंगे उस दिन ये पहुँच जाएगी अपने घर। तो अभी गाइस कार्तिक ने सुना दिया है, और आज कार्तिक को पिटाई पड़ा है थोड़ा सा। वैसे करते पिटाई, तुम्हारी पिटाई करती है ऐसे में बता। नहीं मतलब ना कभी कर प्यार के साथ ना डांट भी देना चाहिए। ठीक है डांट देना चाहिए, पर तुमने जो डांटा ना उसको गाल लाल हो गया, तो कार्तिक करता है। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं, मैंने कार्तिक को इसलिए सुला दिया क्योंकि चलो सोए रहेगा तो मतलब परेशान नहीं करेगा, हम लोग चले जाएंगे, फिर मैं भी नहीं रहूँगा, उसको देखूंगा तो फिर मेरे भी यहाँ से निकलने लगे, इसलिए। तुम तो हमेशा ही रोती, तुम कब किस दिन तुम शांत रहती हो? तो ओ मेरा बच्चा है तो मैं उसको छोड़ के जाऊँगी तो नहीं है बिल्कुल। देखो पापा लोग सख्त होते हैं, ठीक है, बच्चा देखो भी काम कैसे करो। नहीं भाई मेरे को तो सच्ची में रोना आता है, अभी रोना है। तब भी मैं जा, मैं थोड़ा बहुत सामान देख लेता हूँ क्या क्या बाकी है, पैक कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, वही देख रहा हूँ। तो गाइस अब जाने के टाइम पे नेल कटर की याद आ रही है, मिस्टी को देखो हमेशा अशुभ काम करती है, निकलने टाइम पे नाखून काटे के, निकलने टाइम पे हर एक जो काम नहीं करना चाहिए वही सब काम करती है। तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं, और कार्तिक का भी सो रहा, उठा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, फिर मैंने इसको सुला दिया फटाफट, ठीक है अभी निकल जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना उसका। कार्तिक बोरा सो रहा है कैसे टेढ़ा मेढ़ा होके, अब मिलेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना, चलो चलते, चलो गाइस चलते फिर, हम लोग कॉल भी आ गया बस वाले का, चले चलो टिकट ले लो, टिकट तो ले लिया, मोबाइल ले लिया तुमने अपना? हाँ मेरे पास, एक बार ये अच्छे से याद कर लो, कुछ बाद में एकदम अच्छे से याद कर लो सब चीज़, याद कर रही है मिस्टी गाइस, याद आ गया बहुत अच्छे, अभी निकल रहे चलो, बाबू का नीचे सो रहे हो, तो गाइस हमारी बस आ चुकी है गोरखधाम, चलो पकड़ो टिकट पकड़ो,
तो गाइस पहली बार बस से ट्रैवल करने वाले हैं, मतलब मिस्टी मैं तो कर चुका हूँ लेकिन मिस्टी पहली बार करेगी ट्रैवल। दिल्ली टू बिहार जा रहे हैं सीधा गोरखधाम बस से। क्या चलो सामान तो रखाएगा ना, पहले सामान तो रखेगा। स्लीपर के नीचे कहीं जगह मिले अंदर डाल देना। स्लीपर के नीचे डाल दियो। नहीं मेरे तो इसी में है ना, इसमें जगह होगा। भाई साहब आप कहाँ निकल रहे हो? उतरने हैं, पानी देने आया था भाई को। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं अपने स्लीपर बर्थ के अंदर और अंदर से कुछ ये दिखता है ऐसा। बैक कैमरा दिखाता हूँ एक बार आपको अच्छे से। तो ये देखो इसमें इतना स्पेस है कि मैं अपना टांग आराम से फैला के सो सकता हूँ वहाँ तक। अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ तो बहुत स्पेस है। अभी उधर इधर दो आदमी आराम से सो जाएंगे है ना। वहाँ पे सूज रख दिया, वैसे तो शायद पानी नहीं रखने की जगह है लेकिन वहाँ रख दिया हमने वहाँ पे। और ये एसी वेंट्स जिसमें जो है हवा आ रही है ठंडी सी। तो गाइस ट्रैवल पे निकलने से पहले मिस्टी फिट से हो गई है इमोशनल। और ये हमेशा ही पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल रहती है। ए क्या हुआ? देखो 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 देखो, अरे देखो 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 मिस्टी, मैं दिल्ली टू बिहार जर्नी कर रही हूँ बस से पहली बार। खुशी खुशी चलो। क्या हुआ बताओ? हाँ ए क्या हुआ मिस्टी? मिस्टी कार्तिक को मिस कर रही है लेकिन क्या हो गया? हमेशा के लिए जा रही है ऐसा लग रहा है। तुम तो विदेश जा रही हो, विदेश से हमेशा के लिए। देख लो गाइस माँ का प्यार है ये। सोना क्या हुआ? तुमने समझी? मैं रोता नहीं था तो मैं नहीं समझूंगा। नहीं अरे यार। तो गाइस बने रहे व्लॉग में, पूरा जर्नी दिखाएंगे कहाँ कहाँ रुकती है बस, कितने कितने देर में रुकती है ना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस अभी हम लोग रुके हुए हैं ढाबे पे खाना खाने के लिए। अभी शायद हम आगरा के साइड पे हैं। खाने में कारों में पनीर रोटी चावल और दाल। मिस्टी के पास पनीर नहीं है, छोले की सब्जी है ना, पनीर की जगह पे। सो गाइस खाना पीना हो गया, अभी अंदर बैठ गए बस के अंदर आके। और अभी बस में शायद कुछ काम चल रहा है तो एसी भी बंद कर रखा है, गर्मी इतनी है। मैं तो शूज़ पहन के आया इसलिए बार बार खोल बंद नहीं कर सकता, नहीं तो मैं इजीली बाहर घूम सकता था जाके। The next day. Hey guys, good morning. और ये है नेक्स्ट डे अपना बस का ट्रेवल में। और काफ़ी क्या कहते हैं जल्दी पहुंचाने वाले हैं बस। कल हम घर से निकले थे 3:30 बजे के, 3:30 बजे बस चालू हुई थी और अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 होने वाले हैं। 15 मिनट बाकी है तो 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे सिवान। और फिलहाल रात भर हम लोग खूब मस्त तरीके से सो के आए, ढाबे पे खाना खाया था। ढाबे का खाना ठीक था है ना, ठीक था। 110 रुपये का बैग खा लिया, 110 का वेज थाली था, 130 का था पनीर थाली। तो मैंने पनीर लिया था, मिस्टी ने नॉर्मल थाली लिया था छोले की सब्जी के साथ। अभी फ़िलहाल बस उठ गए हैं गाइस। बस का ट्रैवल भी ठीक ठाक ही होता है, इतना कोई परेशानी नहीं होती ना। इतना परेशानी नहीं हुआ ना मिस्टी कुछ? अगर स्लीपर सीट हो सोने वाला तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। बाकी अगर आप बैठ के ट्रैवल कर सकते हो 12-13 घंटे तो आप बैठने वाले सीट पे इसको थोड़ा 200-300 रुपये सस्ता ही पड़ता है। तो फिलहाल अभी मैं कॉल कर देता हूँ पूजा दी को कि हम लोग आने वाले हैं तो आप प्लीज़ तगड़ा ब्रेक मारा। अभी मैं फ़ोन कर देता हूँ दीदी को, बोल देता हूँ कि आप आ जाइए हम पहुँचने वाले हैं। तो वो गाड़ी भिजवाएंगे फिर जाएंगे सीधे घर पे। तो गैस अभी गाड़ी रुकी हुई है मीरगंज में चेक पोस्ट के पास। आज शायद ईद वगैरह है तो इसके वजह से आगे मस्जिद है कोई, वहाँ भीड़ लगी है इसलिए यहाँ रोक दिया है। तो
टाइम लगेगा 10-15 मिनट यहाँ पे। चेक पोस्ट भी है तो चेकिंग भी होगी गाड़ी की, कोई मतलब अल्कोहल वगैरह तो लेके जा नहीं रहा, दारू तो नहीं ले जा रहा यहाँ, मतलब वहाँ यूपी से यहाँ बिहार में। तो बैठे फिलहाल, देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ का वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पता नहीं साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ इस वाले क्लिप में। तो मैं यहाँ बता रहा था कि गाइज पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके थे, बस पार्किंग में लग रही थी। और मैं ये बता रहा था कि ये बस का सफ़र कंफर्टेबल था कि नहीं, तो हाँ कंफर्टेबल तो था, लेकिन एसी थोड़ा सा बस कम चल रहा था। रात को तो ठंड लग रही थी और दिन में गर्मी लग रही थी एसी चलने के बावजूद। तो क्या कर सकते हैं, बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिस्टी थोड़ी अपसेट है, मैं थोड़ा सा उसका मूड लाइट कर रहा था गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।